नमस्कार आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर और आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जी आप लोगों को पता है कि कल मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि आपको ये टॉपिक पूरा तैयार करके आना है कृषि और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान में कृषि से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड है वो सवाल का पैटर्न लगातार क्या कर रहा है चेंज कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा सीधे सीधे सवाल है एकदम सटीक सटीक सवाल है और आपको बेहतरीन तरीके से इनका आंसर देना है पहला सवाल ये है मादक पदार्थ किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं मादक जिनको जिनका सेवन से शरीर में एक अलग एनर्जी का क्या होता है विकास होता है एक आपको लगता है कि आप तीसरे दुनिया में चले गए वो वाला मादक पदार्थ कहते हैं तो मादक पदार्थ उत्पादक के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है जालोर अलवर चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा फटाफट आपको आंसर बताना है एकदम सीधा सवाल है माधुरी भार्गव निवास गुर्जर सागर खरोड़ बताओ भाई अनिल शर्मा उपेंद्र धाकड़ हनुमान तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मादक पदार्थ और मादक पदार्थ के लिए कौन सा जिला भाई चित्तौड़गढ़ जिला मादक पदार्थ से रिलेटेड है आपको याद रखना संबंध रखता है अब मादक पदार्थों में अपने मादक पदार्थों से रिलेटेड हाँ बाबू भाई तस्कर का नाम तो सुना ही होगा तो बाबू भाई तस्कर क्या कहता है कहां से माल लेके आता है बू भाई तस्कर कहता है चित्तौड़गढ़ से माल लेके आ रहा हूं तब आपको याद रखना है भाई कि जो ये चित्तौड़गढ़ जिला है चित्तौड़गढ़ में किसका उत्पादन होता है तो अफीम का किसका अफीम का अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप कहना कि सर इसका नाम है पेपेवर वर स्वामी है ना क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं काला सोना कैसा सोना कहते हैं काला सोना कहते हैं याद रखना है फिर आपको अफीम के बारे में यह भी याद रखना है कि देखिए भाई ये इसका उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग होता है एक तो दवा निर्माण में दवा में होता है और मादक पदार्थों में भी होता है और यानी नशे में इसका उपयोग होता है फिर आपको याद रखना है इनके बारे में कि भाई इसके अंदर जो जो अफीम होता है वो अफीम कहाँ से निकलता है तो अफीम कहाँ से निकलता है ये अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना अफीम का अपीम में वो कहां से निकलता है वो निकलता है इससे फल से फल होता है उस फल का जो लैक्टस होता है लैक्टस जिसको क्या कहते हैं भाई लिक्विड फॉर्म होता है वहाँ से निकलता है ये फिर आपको याद रखना है कि राजस्थान की मध्यकालीन में कौन सी रियासत थी जो अपीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी बताओ भाई हाँ अपीम की खेती के लिए प्रसिद्ध अरे मेरे भाई हाँ ये सही बात बताइए कि सर प्लीज़ राजस्थान की पॉलिटी की भी क्लास लो तो अपने जितने बाईस टॉपिक है अपने ज्योग्राफी के तो लगभग लगभग अब कम्प्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी के अच्छे अच्छे सारे सारे राजस्थान पॉलिटी के सारे सवाल लेके आऊंगा घबराने की जरूरत नहीं है एक एक सवाल को लेके चलेंगे विनोद राजावल जी टेंशन नहीं मतलब आप पॉलिटी को भी लेके आएंगे जियोग्राफी को भी लाएंगे इकोनॉमिक्स को भी लाएंगे सबको लाएंगे तो अफीम के बारे में आपसे पूछे कि मध्यकाल में कौन सी रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी उस रियासत का नाम था भाई प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ रियासत में अफीम होता था बड़ा प्रसिद्ध होता था ये भी याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है तो रॉयल कमीशन के बारे में आपसे पूछे तो याद रखना अफीम से संबंधित है और आपसे सवाल पूछा जाएगा रॉयल कमीशन है वो अफीम से संबंधित है वो अपने राजस्थान में कब आया था एटीन तो नाइनटी में आया था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे लॉर्ड लेंस डाउन थे लॉर्ड लेंस डाउन के समय ये आया था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है लॉर्ड लेंस डाउन के समय यहाँ पर आया था याद रखना है सीधे सीधे सवाल सीधे सीधे जवाब और अगर पूछे कौन से क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है तो अफीम होता है मेवाड़ में कहा होता है भाई मेवाड़ में होता है याद रखना है सीधे सवाल है सीधे तो क्या देना है आंसर देना है और रॉयल कमीशन का अध्यक्ष पूछे तो क्या भाई रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था तो आप कह देना कि सर इसका अध्यक्ष था थॉमस बुंद्रो कौन था थॉमस बुंद्रो इसका अध्यक्ष था तो याद रखना है आपको कि भाई अपने मादक पदार्थ है इसके लिए कौन सा जिला चित्तौड़गढ़ जिला क्योंकि राजस्थान में अफीम होती है पूरे भारत में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया अफीम होती है वो चित्तौड़गढ़ की मानी जाती है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है एक बात और याद रखना है जैसे अपने राजस्थानी कल्चर में रियाण होती है ना रियाण किसे कहते हैं तो रियाण क्या होती है एक सभा होती है या फिर इसको हताई कहते हैं रियाण या सभा की हताई की इसकी क्या विशेषता होती है रियाण की तो रियाण के अंदर कहते हैं कि अफीम की मनुआर होती है अफीम की क्या होती है

और अजमेर में सोनामुखी मंडी सीधा सा आपको जवाब देना है कि राइट आंसर क्या है भाई बताओ सीधा सवाल और सीधा सा आंसर देना है बताओ भाई राकेश जांगीर डबल नाइन अजू परमार ऑफिशियल सागर विनोद रावल सीमा यादव सीमा यादव हनुमान लाल चौधरी सागर खरोड़ राइट आंसर क्या है भाई इसका इनमें से कौन सा सुमिलित है ऐसे सवाल सीधे पूछे जाते बताओ वेरी गुड हनुमान लाल चौधरी महेंद्र पारगी और बता दो भाई सीमा यादव इसका राइट आंसर है आपके अजमेर ये जो अजमेर के अंदर नहीं है सोनामुखी मंडी है वो है सुमेरपुर के अंदर कहाँ है सुमेरपुर के अंदर है सुमेरपुर कहाँ है पाली के अंदर है तो याद रखना सोनामुखी मंडी है वो अपने सुमेरपुर के अंदर है सुमेरपुर कहाँ पर है सुमेरपुर पाली जिले में किस जिले में है भाई पाली जिले में ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है सवाल है और सीधे आंसर है बिल्कुल हो जाएंगे आपके आप कह रहे हो कि सर ग्रेजुएशन सी के एग्जाम से पहले हो जाएंगे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप तो पढ़ो इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देखा तो आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है अगला सवाल देखो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक जिला है तो अपने रा, राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कहा होता है बताओ भाई तिलहन का उत्पादन तिलहन का मतलब क्या होता है जिनसे तेल निकलता है वो वाला अब बताओ तिलहन का उत्पादन कहां हो रहा है सीधा सा आंसर बताना है कि अपने राजस्थान में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है बताओ भाई सीधा सा आंसर देना है एकदम तरीके से देना है बताओ तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है बताइएगा भाई वेरी गुड वेरी गुड तो राजस्थान में तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है सीधा सवाल है बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको क्या देना है आंसर देना बताओ बढ़िया सवाल है और बेहतरीन बढ़िया सवाल है कौन से जिले में होता है भाई सुनील गोस्वामी अजू परमार अनिल शर्मा तो राइट आंसर है इसका कौन सा जिला है बीकानेर क्या है इसका राइट आंसर है याद रखना तिलन अब याद रखना तिलन में कौन कौन सी फसलें आती हैं हैं तो तिलन में अपन रखते सरसों सरसों को से तेल निकलता निकलता है भाई बिल्कुल है मूंगफली से तेल निकलता है भाई निकलता है मूंगफली से तेल तिल से निकलता है तेल निकलता है तेल सोयाबीन से क्या निकलता है सोयाबीन से भी तेल निकलता है ये भी याद रखना है उसके बाद एक होता है अलसी क्या होता है भाई अलसी एक होता है तारा मीरा कौन सा मीरा तारा मेरा होता है। ए, क्या होती है? ए, होती है क्या होती है जिनसे क्या, क्या, तो जिन क्या निकाला निकला जाता, जाता, जाता है तेल निकाला जाता है ये सारी फसलें अपने राजस्थान में होती है भाई सीधा सवाल है बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको आंसर देना है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला क्या सवाल पूछ रहा है वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है वाह भाई वाह देखो पानी नहीं आया मुंह में वेरी गुड नहीं आया तो फिर तो बढ़िया है तो बियर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताओ भाई सीधा सवाल है हाँ मक्के का बाजरा का जौ का या गेहूं का बियर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है बताओ सीधा सवाल है बता दो भाई अजू परमार मनीषा गोस्वामी अनिल शर्मा महेंद्र प्रागी सुनील गोस्वामी अजू परमार ऑफिशियल किसका प्रयोग होता है भाई हाँ वेरी गुड आप लोगों ने साइंस पढ़ी है ठीक है लॉकडाउन में आप लोगों ने प्रयोग किए थे मुझे पता है बताओ भाई सीधा सवाल है एकदम बढ़िया सवाल पूछा है और क्या पूछा है कि बताओ भाई वेरी गुड वेरी गुड कौन सी फसल है ये भी नहीं पता है बढ़िया 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 नहीं पता है तो फिर बढ़िया है जो क्या राइट आंसर है जो हालांकि जो को गरीब का अनाज कहा जाता है गरीब का क्या कहा जाता है अनाज कहा जाता है किसको कहा जाता है जौ को अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इस जो के बारे में कुछ सवाल जो अपने सवाल पूछा जा सकता है तो जौ एक तो मोटा अनाज है कैसा अनाज है भाई मोटा अनाज होता है पहली बात तो ये याद रखनी है अगला सवाल आपको ये याद रखना है कि ये जो जो होती है इससे क्या बनाई जाती है शराब पीरे बनाई जाती है और क्या बनाई जाती है बियर बनाई जाती है क्या बनाई जाती है भाई बियर बनाई जाती है अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो है इस जो का जो उपयोग होता है इसकी जो किसकी फसल है तो ये शुष्क जलवायु की फसल है अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है ये भी याद रखना फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा फिर आपसे इसी से रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई ये जो जो है राजस्थान में सर्वाधिक गांव होती है तो सर्वाधिक होती है भाई जयपुर जिले में जो सर्वाधिक कहा होती है जयपुर जिले में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा जो के बारे में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल है जयपुर में लेकिन सर्वाधिक उत्पादन गांव हो रहा है तो उत्पादन देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर का है लेकिन उत्पादन होता है गंगानगर में किस जिले में होता है गंगानगर में एक बात और याद रखना सवाल पूछे जो किसकी फसल है तो जो रबी की फसल है रबी की फसल है याद रखना यानी इसको कब सर्दियों के दौरान ये बोई जाती है सर्दियां आने से पहले और सर्दियों में ये पक जाती है ना तो ये जो बियर वियर होती है ना आपके जो भी बियर का ब्रांड है चाहे तो कोई भी ब्रांड की बियर पियोगे उसमें आपको किसका पानी मिलेगा जौ का पानी मिलेगा कहते हैं कि जौ को पूरा सड़ाया जाता है सड़वा सड़ाने के बाद उसका जो पानी होता है उस पानी को फिर आप पीते हो वो बियर होती है ना याद रखना है आपको आगे बात करते हैं और बियर बनाने का कारखाना पूछे राजस्थान में बियर बनाने का कारखाना कहाँ है बियर बनाने का कारखाना तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान में बियर बनती है अलवर जिले में किस जिले में बनती है भाई अलवर जिले में बनती है याद रखना है एकदम बढ़िया से ठीक है आगे बात करते हैं और हाँ ठंडी बियर वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई बता रहे हो आप लोग है ना अगला सवाल देखो अगला सवाल है ये वाला क्या कह रहा है सवाल आपको ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई ध्यान से देखिएगा भाई ये अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट सवाल है मेरे नहीं है आपके नहीं है अधीनस्थ बोर्ड के बताओ 6 जून 1974 30 दिसंबर 1957 30 दिसंबर 1977 और 12 अप्रैल 1963 राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई ये आपको बताना है अब आपको अच्छे से इसका क्या देना है जवाब देना है बताइए भाई राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई सीधा सवाल सवाल है और सवाल है और बेहतरीन बताइए छह जून उन्नीस हुई चौहत्तर को दिन हुई थी बहुत बढ़िया आंसर बताया जून को स्थापना होती है कृषि विपणन बोर्ड की अब आपसे पूछा जाएगा कृषि विपणन बोर्ड क्या करता है अगर ये पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे तो आप कहोगे कि सर यह राजस्थान में नई मंडियां होती है ना नई मंडियां तो नई मंडिया की क्या करता है ये स्थापना का कार्य करता है याद रखना तो नई मंडियों की स्थापना का कार्य करता है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जिसकी स्थापना छह जून उन्नीस चौहत्तर हो गई चौहत्तर को की गई थी इसके अलावा ये क्या करता है भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है सड़कों का भी निर्माण करवाता है ग्रामीण सड़कों का क्या करवाता है निर्माण करवाता है जहां से क्या होता है एग्रीकल्चर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है याद रखना फिर आपसे याद रखना रखा जाएगा कि इस बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है तो इस बोर्ड का कार्यालय अपने जयपुर के अंदर कहां पर है जयपुर के अंदर सीधा सवाल है एकदम बेहतरीन सवाल है अधीनस्थ बोर्ड ऐसे सवाल पूछता है घुमाने के लिए है ना अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला और अगला सवाल है ये वाला क्या पूछ रहा है अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग महासंगत है बताओ भाई सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सुमेरपुर पाली राष्ट्रीय मसाला बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर बताओ गलत कौन सा इनमें से सुनील गोस्वामी का नेट चला गया है, कोई बात नहीं बाद में देख लेना महेंद्र पारगी अनिल शर्मा हनुमान प्रसाद हनुमान लाल चौधरी महेंद्र पारगी सीमा यादव फटाफट आंसर बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है वेरी गुड वेरी गुड राष्ट्रीय अनु कौन सा जो इसमें मिस मैच है तो एक तरफ तो आपको कृषि संस्थान दे रखे हैं और एक तरफ मंडिया दे रखी है अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं बताओ कौन सा कहां पे सीधे से सवाल का सीधे से आंसर देना है इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है ही नहीं बताओ भाई वेरी गुड संतोष वैष्णव लोकेश प्रभुलाल मीणा राइट आंसर बताओ बता दिया तो भाई देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर के अंदर कहां है सेवर के अंदर है सेवर कहां पर है शेवर भरतपुर के अंदर है शेवर भरतपुर में है बाकी आपको याद रखना है कि बेर अपने कहां पर बनते हैं भाई बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुर सुमेरपुर पाली में क्या है तो याद रखना सुमेरपुर पाली में सोनामुखी की मंडी है सोनामुखी की क्या है मंडी है एकदम सीधा सवाल है बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना था आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल आपको यह कह रहा है ध्यान से देखना ये वाला सवाल है राज्य में कृषि से संबंधित जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया था तो अपने राजस्थान में क्या किया गया किसानों को जानकारी दी गई थी किस खेती कैसे करें, कैसे नहीं करें, और ये किसके द्वारा रेडियो के माध्यम से तो रेडियो के माध्यम से सबसे पहले जो जानकारी देने वाला राजस्थान का पहला कृषि रेडियो स्टेशन था वो किस जिले में स्थापित किया गया था यह आपको बताना है कृषि रेडियो स्टेशन के बारे में आपको बताना है बताइएगा भाई सीधा सवाल है एकदम बढ़िया सवाल पूछा है आपसे वेरी गुड हां तो आपको यह बताना है राइट right आंसर इसका क्या है कृषि रेडियो कहां पर स्थापित किया गया था भाई <laughs> बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बताइए भाई कहां पर साढ़े पांच से छह बजे तक आता था कहां से इस कहां से शुरू किया गया था मिल कहां से भीलवाड़ा अब आपको याद रखना है देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कृषि विभाग का मासिक अखबार कौन सा है कृषि विभाग का मासिक तो आप क्या कहोगे कि सर ये है खेतीरी खेतीरी बाता इसकी बाता खेतीरी बाता फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई जयपुर में दूरदर्शन केंद्र है जयपुर दूरदर्शन केंद्र से किसानों के लिए कौन सा कार्यक्रम किसानों के लिए चलाया जा रहा है तो जयपुर दूरदर्शन से किसानों के लिए चलाया जाता है कोई खेतीरी बांता खेती समाचार पत्र कृषि विभाग द्वारा और जयपुर दूरदर्शन के द्वारा खेती बाता कार्यक्रम संचालित है यह भी आपको याद रखना एक बात और याद रखनी है कि किसानों के लिए निशुल्क कॉल सेंटर की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है ध्यान से देखो रबी की फसल कब बोई जाती है वेरी गुड रबी की फसल कोई कब बोई जाती है अभी बताओ ये तो आपको पता होगा <laughs> रबी की फसल बोई जाती है जून जुलाई में अक्टूबर नवंबर में सितंबर अक्टूबर में जुलाई अगस्त में बताओ भाई महेंद्राजू परमार बदनाम शासक संतोष वैष्णव अनिल द्रौपदी शर्मा सोनू वेरी गुड बताओ भाई हाँ एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं आपके तो देखो इस इधर देखो रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है नहीं पता है अब देखो रबी की फसल बोई जाती है कौन से महीने में बताओ भाई कब बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में जून जुलाई में होती है खरीफ की खरीफ की बुआई होती है इसमें किसकी बुआई होती है रबी की बुआई बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में कुछ नहीं होता है जुलाई अगस्त में क्या होता है भाई कुछ नहीं होता है तो ये याद रखना रबी की फसल और खरीफ की फसल याद रखना रबी की फसल को उनालू फसल कहते हैं क्या कहते हैं उनालू फसल कहते हैं क्योंकि ये गर्मियों के दिनों में काटी जाती है सर्दियों में बोई जाती है खरीफ की फसल को क्या कहते हैं तो खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू क्या कहते हैं सियालू कहते हैं ये भी आपको याद रखना है उनलू होता है एक क्या होता है सियालू होता है सीधे सीधे सवाल का सीधे सीधे जवाब देना है ना आगे बात करते हैं और अगले सवाल का ये देखो किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है बढ़िया सवाल पूछा है भाई तो सफेद सोना किसे कहते हैं है? दूध को कपास को होहोबा को या चौला को बताइएगा भाई एकदम सीधा सवाल पूछा है आपसे कि सफेद सोना किसे कहा जाता है व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है अब बताओ भाई इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे कि बताओ भाई सफेद सोना हमारे राजस्थान में किसको कहा जाता है गजब का सवाल पूछा है बताओ वेरी गुड सफेद सोना नहीं पता आपको किसको कहते हैं भाई तो सफेद सोना कहते हैं कपास को किसको कहते हैं भाई कपास पता है आपको कपास को कहते हैं अब आपके कपास से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए आपसे कपास से, से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे आपसे पूछे जाएंगे कि इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं बढ़िया क्या कहते हैं इसको बढ़िया भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं नरमा भी कहते हैं आगे बात करूँ इसके बारे में तो आपको याद रखना है कि भाई इसे सफ़ेद सोना कहलात कहा जाता है इसके जो बीज होते हैं इसके बीज को क्या कहते हैं तो इसके बीज का नाम याद रखना भाई इसके बीज को क्या कहते हैं बिनोला याद रखना बीज को क्या कहते हैं बिनोला कहते हैं और इस बिनोला का उपयोग पशु आहार में होता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये जो कपास होता है उस कपास को किसमें रखा जाता है कपास को गांठों में तोला जाता है किसमें गांठों में और एक गांठ होती है वो कितने किलो की होती है भाई तो एक गांठ होती है 170 किलो की कितने किलो की 170 किलो की होती है ये भी याद रखना है फिर आपसे कपास के बारे में पूछा जाएगा सर्वाधिक देसी कपास कहां पर होती है सर्वाधिक कैसी कपास देसी कपास के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देना सर राजस्थान में सर्वाधिक देसी कपास होती है चित्तौड़गढ़ में कहा होती है भाई चित्तौड़गढ़ में होती है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक मालवी कपास होती है कौन सी कपास मालवी कपास पर होती है तो राजस्थान में सर्वाधिक मालवी कपास के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये होती है भरतपुर में कहा होती है भरतपुर में एक सवाल जो सबसे ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि बताओ भाई अमेरिकन कपास होती है तो अमेरिकन कपास राजस्थान में सर्वाधिक कहा होती है अगर यह आपसे पूछे तो आप कहते सर यह होती है हनुमानगढ़ में कौन से गढ़ में होती है हनुमानगढ़ में होती है यह आपको याद रखना है एक बात और याद रखनी है इनके बारे में और सवाल पूछा जाएगा कि कपास सुधार परियोजना कहां संचालित है तो कपास सुधार प्रयोग परियोजना कपास सुधार परियोजना कहां पर संचालित है तो आप कह देना सर श्री गंगानगर में किस जिले में है भाई श्री गंगानगर में ये भी आपको क्या रखना है ए याद रखना किसके बारे में कपास के बारे में कपास कौन से फसल कौन से ऋतु की फसल है तो आप कहोगे यह खरीफ की फसल है किसकी फसल है खरीफ की फसल है ये भी आपको याद रखना है ना तो ये कैसी फसल है तो ये नकदी फसल है इसको नकदी फसल कहे या फिर इसको कैसे क्या कहते हैं भाई रेसेदार फसल कहते हैं कौन सी फसल रेशेदार फसल भी कहते हैं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है तो नकदी फसल या रेशेदार फसल कहा जाता है किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है कपास को सीधा सवाल है बेहतरीन सवाल है बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है आगे बात करें कि, कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी चाहिए तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी चाहिए काली मिट्टी याद रखना अब देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है कपास का तो सर्वाधिक तो तो उत्पादन अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ हो रहा है तो वहां पे आप गौर हो कि कहाँ पर हो रहा है भाई में हो रहा है कौन से गढ़ में हो रहा है, हनुमान में का उत्पादन हो रहा है। अमेरिकन कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन तो कहां हो रहा है वो कहां हो रहा है बताओ हनुमानगढ जिले में होता है एक चीज याद रखना कि सघन विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है सघन कपास सघन कपास विकास कार्यक्रम सघन कपास विकास कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है कितने जिलों में संचालित है भाई तो याद रखना राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है और ये किसके द्वारा संचालित है तो आप कह देना सर यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है किसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है सीधे सवाल है एकदम सटीक आंसर देना है आपको आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है तो अगला सवाल आपको ये कह रहा है उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दू भाई आप में से कोई भी विद्यार्थी है जो आपका भाई बंधु है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है किसकी तैयारी कर रहा है आर्मी की तैयारी कर रहा है तो आपको उन तक खबर यह पहुंचानी है भाई आर्मी जीडी की या फिर आर्मी ट्रेड्समैन की या फिर वो किसकी कर रहा है अग्निवीर की कौन से वीर की अग्निवीर की कर रहा है तो अपना जो तक्षशिला एकेडमी का जो आपका अपना ऐप है ना उस ऐप में एक टेस्ट मिलेंगे वन टेस्ट है वो अपलोड किए गए हैं और ये मात्र आपको कितने में मिल रहे हैं तीन सौ रुपए में मिल रहे हैं कितने रुपए में मिल रहे हैं तीन सौ रुपए में केवल एक सौ छियासी एक सौ छियासी टेस्ट मात्र तीन सौ रुपए में मिल रहे हैं एक चीज और मैं आपको बता दूं इसके अंदर विगत जो पिछले पंद्रह सालों में जितने भी पंद्रह पिछले पंद्रह वर्ष के जो आर्मी के पेपर हुए इसके पेपर आर्मी के पेपर हुए थे वो पेपर मिलेंगे आपको इसके अलावा आपको इसमें सब एक सबके सब जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के टॉपिक टेस्ट मिलेंगे

मेगा टेस्ट एक सौ याद रखना है ना तो, कोई भाई ले, तो उनको बता देना जहां पे मिलेगा अगला सवाल देखिए और अगला सवाल ये है कि राजस्थान निम्न में से किस फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल है तो राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल है जिनके उत्पादन में अवल अवल का मतलब क्या होता है प्रथम है चार ऑप्शन है आपके सामने गेहूं बाजरा जीरा गन्ना जीरा मेथी धनिया गोल, अलसी तारामीरा चन्ना कपास या फिर गवार मोट बाजरा सरसों सीधा सवाल सीधा आंसर देना है आपको बता दीजिए भाई सीधा सांसर बताना है बताओ हाँ तो राइट आंसर क्या है इसका सीधा और एकदम सटीक आंसर बताना है बिल्कुल गलत नहीं बताना है ध्यान रखना अब इनमें से अवल जिला कौन सा है जो पहले यानी फर्स्ट रैंकिंग फर्स्ट रैंकिंग पे बताओ कौन सा जिला है वेरी गुड बताओ भाई तो देखो भाई एक ट्रिक बताऊं मैं एक ट्रिक है जिसका नाम है सब्जी तो इधर तो सब्जी इधर सब्जी मैं इधर है ना तो एक ट्रिक है जिसका नाम है सब्जी मैं इधर ये वो फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में अपना डंका बजा रहा है यानी हम राजस्थान वाले इसमें एक नंबर पे कौन कौन सी है तो आप <laughs> कहोगे सर एक है सरसों कौन सा सो है सरसों है ये कौन सा ब है बाजरा है ये कौन से जी है जीरा है ये कौन सा मे है तो आप कहोगे सर मेथी है उसके बाद में कौन सा गोल है तो इस सब गोल है कौन सा गोल है इस सब गोल है उसके बाद कौन सा या है तो आप कहोगे सर एक है धनिया क्या है भाई धनिया तो सब्जी में इधर इधर र का मतलब क्या हुआ भाई राजस्थान में बताओ बताइएगा भाई जो पहले स्थान में है वेरी गुड से कौन हो रहा है बताओ भाई फटाफट बता दो जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है बताओ कौन हुआ से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक तो आप लोग भी बता दो यार जिनके उत्पादन में पहले स्थान पर है मुझे तो पता नहीं है बताओ जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है मैंने कहा सब्जी में ई ध तो बताओ आप इनमें से एक और है जिनके बारे में आपको बताना है बताओ कौन सा है जीरा हो गया बहुत बढ़िया ये राई कौन बोला भाई कल्पना गौतम ने कहा सर राई बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने राई तो देखो इन सब में हम राजस्थान वाले पूरे देश में अपना उत्पादन या प्रोडक्शन में सबको कहते हैं ले जाओ हमारे यहाँ खूब हो रहा है हम है ना तो इनमें अपन पहले नंबर पे तो इसमें देखिए जीरा मेथी धनिया और, और ये कहीं खोपचे में डाल दो अपनी कॉपी के अंदर खोपचा है ना कॉर्नर में कहीं लिख लो काम आएगा सब्जी में इधर परीक्षा में पूछे कौन सी फसलों में उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है तो आप कह देना हाँ रायता रायता फैलाना नहीं अभी रायता बाद में फैलाना है ना सुरेश सिंह गुर्जर अगला सवाल देखो और अगला सवाल है ये वाला क्या सवाल पूछ रहा है सवाल ये पूछ रहा है कि देश के कृषि देश के कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक जिसका नाम है नाबार्ड क्या नाम है नाबार्ड और नाबार्ड की स्थापना कब हुई हमारे देश का कृषि से रिलेटेड सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड और नाबार्ड है जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई नाबार्ड का मुख्यालय बॉम्बे में बॉम्बे बोले तो कहां पर मुंबई में है और ये क्या करता है पूरे देश में जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोगों क्या करता है भाई लोन देने का कार्य करता है क्या करता है भाई लोन देने का कार्य करता है कृषकों को सहायता भी देता है तो मुंबई में है अब बताओ इसकी स्थापना कब हुई बिल्कुल बदनाम शासक कह रहा है कि रायरा भाव तो रात ही गया था ये जालोर के किले के बारे में कही जा, कही जाने वाली बात है किसके बारे में जालोर के किले में एक एक, एक समय तेरह सौ ग्यारह घटनाएं आपको याद होगी तो बताओ तो नाबार्ड की स्थापना होती है वो कब होती है उसके बारे में आपको बताना है बता दीजिए इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि इसका आंसर तो आप दोगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं बताओ वेरी गुड वेरी गुड तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है बताओ भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई उन्नीस में 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की स्थापना हुई थी याद रखना जो राजस्थान और पूरे भारत में कृषि से संबंधित किसानों और कृषि से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को क्या करता है भाई सहायता उपलब्ध करवाता है अगला सवाल देखो राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई बताओ राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई ये सवाल मेरे नहीं है ये अधीनस्थ बोर्ड के सवाल है ध्यान रखना अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही सवाल देंगे आपको ज्यादा वो नहीं देगा कि भाई क्या है, क्या है क्या नहीं है तो राइट आंसर बताओ इसका लोकेश एम कंवर सुमन सोनू अजय परमार कालीबीत ब्लॉक लसाड़िया अनिल शर्मा संतोष संतोष सुरेंद्र सिंह गुर्जर अरे लॉन मतलब आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है किसानों को तो ये बैंक है कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की जो सहायता ये देता है सुरेंद्र सिंह गुर्जर गोस्वामी कल्पना गौतम हनुमान लाल चौधरी आकाशपुरी विद्या धाकड़ बताओ कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी एकदम सीधा सवाल पूछा आपसे बताओ 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 कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई ये तो आपको आ रहा है मतलब आपको बताना है राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है बता दीजिए भाई कौन से वर्ष में हुई थी बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने 1965 में हुई थी किसकी 1965 में हुई है राजस्थान कृषि उद्योग निगम की तो कृषि को किसके साथ कनेक्ट करेगा कृषि को उद्योगों के साथ कनेक्ट करेगा और किसानों को कहेगा कि भाई आप पारंपरिक फसल बो रहे हो गेहूं बो रहे हो और बाजरा बो रहे हो उनकी जगह आप उन फसलों का प्रोडक्शन करो जहां से आपको क्या मिले ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले खरीदने के लिए हम उद्योग स्थापित करवाएंगे तो ये है भाई कृषि उद्योग निगम की स्थापना में की गई थी और राजस्थान कृषि उद्योग निगम कहां पर है तो याद रखना ये है अपने जयपुर में कहां पर है जयपुर के अंदर है ये भी आपको याद रखना सीधे सीधे सवाल होते हैं सीधे सीधे तरीके से आपको पढ़ने होते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपको क्या कह रहा है ध्यान से देखना भाई सवाल है ये वाला क्या पूछा है कि राजस्थान के कृषि विभाग का मासिक अखबार बहुत बढ़िया बताओ भाई अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कृषि विभाग है और कृषि विभाग का मासिक अखबार कौन सा है वो आपको बताना है बेहतरीन बेहतरीन सवाल का तरीके से आपको आंसर देना है कि खेत खलियान खेती री रिभा कृषि दर्शन या खेती बाड़ी और कृषि विभाग हर महीने अखबार निकालता है कौन सा अखबार निकालता बताओ अजू परमार कल्पना गौतम बदनाम शासक वाह भाई संतोष संतोष माही अनु संतोष हाँ कौन सी बात वेरी गुड खेती री किस बाता किसकी बात खेती री बात और खेती रिवाता कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा चलाया जाता है कौन से विभाग के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा चलाया जाता है किसानों को खेती से रिलेटेड समस्त प्रकार की क्या देता है भैया जानकारी देने का कार्य करता है किस क्या देने का जानकारी देने का कार्य करता है ये आपको क्या रखना है याद रखना है एक आपको याद रखना है कि सोमवार से लेकर आप लोगों के पता होना चाहिए जिसके घर में दूरदर्शन है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम को साढ़े पांच बजे से कितने बजे तक साढ़े पांच से लेकर साढ़े छह बजे तक कितने बजे तक छह बजे तक एक कार्यक्रम आता है राजस्थान के किसानों के लिए पता होगा कौन सा ये है कृषि दर्शन सुना है ये है कृषि दर्शन ऐसा कोई गाना शुरू होता है उसके बाद कृषि दर्शन के बारे में कृषि से रिलेटेड बातें बताई जाती है ये भी आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि भाई देखो आकाशवाणी है ना आकाशवाणी के द्वारा भी जो कार्यक्रम संचालित है आकाशवाणी यानी रेडियो के द्वारा तो आकाशवाणी से भी कौन सा कार्यक्रम संचालित है खेती री माता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है किसके बारे में तो खेती के बारे में याद रखना है ना आगे बात करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं अगला सवाल देखो और अगला सवाल क्या कह रहा है और अगला सवाल है ये वाला क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा भाई राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल वाह भाई वाह मतलब आम तो राजस्थान का पहला मेंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया बताओ भाई बताओ भाई राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल ये दूरदर्शन क्या होता है बहुत बढ़िया भाई इस जमाने में पैदा हो गए मेरे भाई डीडी दूरदर्शन डीडी का मतलब नहीं सुना है डी वन एक तो डी वन होता है एक डी न्यूज होता है हम जैसे बड़े वाले गरीब लोगों के घर में यही चलता है डीडी वन और डीडी न्यूज बाकी हमारे घर में छतरी वत्री कुछ नहीं लगी हुई है बच्चे बिगड़ते नहीं है ना तो इसलिए क्या होता है टीवी पे दो चैनल ही आते हैं अब आपको बताना है सुरेंद्र सिंह गुर्जर बताओ भाई तो मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था ये तो बता दो यार मैंगो फेस्टिवल इतना अच्छा सवाल पूछा है कि राजस्थान में मैंगो फेस्टिवल कहाँ हुआ था अच्छा सवाल है बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है बताओ ये तो आपको पता होना चाहिए मैंगो फेस्टिवल नहीं पता है मैंगो फेस्टिवल का नहीं पता भाई हाँ तो मैंगो फेस्टिवल हुआ था बांसवाड़ा में कहां पर बांसवाड़ा में बांसवाड़ा के क्या प्रसिद्ध है आम पापड़ प्रसिद्ध है कौन से पापड़ आम पापड़ प्रसिद्ध है ये भी आपको याद रखना है तो बांसवाड़ा के अंदर हुआ था एम ए एन जी यू मैंगो फेस्टिवल याद रखना है ना एम फॉर मैंगो आम खाए ना तो ये याद रखना झालावाड़ कैसे कर रहे हो यार आप लोग मैंगो फेस्टिवल ध्यान से देखो वापिस अगला सवाल देखो और अगला सवाल है ये वाला राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है बता दो भाई चार ऑप्शन है आपके सामने बताओ भाई अरे भाई ऐसे कमेंट मत किया कर। कर कंफ्यूज दिया। क्या कंफ्यूज कर दिया गलत बता रही और क्या कंफ्यूज कर दिया बताओ राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है बारह चौबीस साठ या तैतीस याद बताओ भाई राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में बताना आपको इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है बताओ भाई राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में आपसे पूछा है बताओ भाई बांस मिशन के बारे में वेरी गुड पता है आपको आपको आ रहा है बस आपको बताना है कि बांस मिशन कितने जिलों में संचालित है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पता है आपको बता रहे हैं आप सही सही बता रहे हैं अभी सही चल रहे हैं बताओ कितने जिलों में संचालित है वेरी गुड तो राष्ट्रीय बांस मिशन है उसके बारे में आपसे पूछा गया सवाल है हाँ भाई कितने जिलों में संचालित है बांस मिशन वेरी गुड तो कितने जिलों में है भाई हाँ लगभग लगभग आप लोगों ने बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया अच्छे से गलत अच्छ, गलत आंसर दिया है राइट आंसर है भाई बारह जिलों में कितने जिलों में बारह जिला में इस बांस मिशन को बंबू मिशन भी कहते हैं क्या कहते हैं बंबू मिशन कहते हैं और आपको यह भी पता होगा जो बांस होता है ना इस बांस यह क्या है एक घास है क्या है बांस एक घास है याद रखना बांस एक घास है और सर्वाधिक तेजी से उगने वाला बांस कौन सा है तो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला है ये सर्वाधिक तेजी से बढ़ता है और एक दिन में लगभग लगभग कहते हैं कि रात में ये ज्यादा बढ़ता है और इसकी जो एक दिन की जो हाइट होती है वो 12 से लेकर कहते हैं कि लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ता है तो कभी भी गलती से इस बांस के ऊपर रात में मत बैठ जाना नहीं तो ठेठ ऊपर चले जाओगे और सबसे बड़ी बात है कपड़े वपड़े मत सुखाना नहीं तो फाड़ दोगे तो ये सबसे तेजी से बढ़ता है बांस के बारे में आपको याद रखना कि ये कब शुरू किया गया था बांस तो मिशन है वो कब शुरू किया गया था ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर दो हजार में शुरू किया गया था है ना फिर आपको यह भी याद रखना है कि पहले इसका नाम क्या था भाई इसका नाम था एन ए बी एम एन ए बी एम का क्या मतलब होता है तो नेशनल नेशनल क्या नाम था भाई एग्रो फॉरेस्ट बंबू मिशन है अब इसके अंदर जो बांस की खेती करता है ना उसकी बांस की खेती करने वाले किसान को कितने रुपए दिए जाते हैं भाई बांस की खेती करने वाले किसान को आठ हजार रुपए दिए जाते हैं कितने हजार रुपए आठ हजार रुपए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा याद रखना है कितने जिलों में संचालित है तो बारह जिलों में राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है एक तो दक्षिणी और एक दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है ये याद रखना ये बारह जिले हैं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले ठीक है आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं ठीक है हाँ बढ़िया आंसर बताइए सर मेरा गलत है बहुत बढ़िया भाई बताइए आपको अगली बार आप अच्छे से आंसर देना है ना तो ये देखो सवाल पूछा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीकानेर में है इसके द्वारा हर मरुस्थल

हार के मरुस्थल के बारे में पूछा है एक अपने संस्था है जिसका नाम क्या है संस्था का नाम भी आपके सामने दे रखा है बताओ कि बागवानी संस्थान है कौन सी संस्थान शुष्क बागवानी संस्थान है अब बताओ बीकानेर में कौन सी बताओ 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 फिर आगे बताऊं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ यार आप लोग हाँ बढ़िया आंसर दे रहे हो भैया इतना अच्छा सवाल पूछा है अभी सोच रहे हो आप केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है बिछवाल के अंदर कहां पर है बिछवाल के अंदर है ये तो आपको पता है लेकिन यहां से किसकी स्थापना की गई है ये आपको बताना है वेरी गुड ये किसकी किस में है भाई बढ़िया 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 फटाफट आंसर बताओ भाई हाँ तो ये जिसकी फर्स्ट किस्म है वो कौन सी बेर काजरी मतीरा या खेजड़ी तो ये मरू थार का मरुस्थल ये किसकी नस्ल है खेजड़ी की है भाई खेजड़ी की क्या यार बेहर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में इसका मतलब बीकानेर थोड़ी थोड़ा थोड़ी होगा थार मरुस्थल खेजड़ी की नस्ल है ना डी ऑप्शन सही एकदम आगे बात करते हैं ये देखो काचरी बढ़िया भाई खरीफ के मौसम है जिन्होंने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले हैं और जिनकी खेती होती है ना गाँव में रहते हैं उनको तीस के तीस दिन काचरी की सब्जी खानी पड़ती है याद रखना पता है आपको और इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है राजस्थान का क्या जा कहा जाता है भाई बताओ हाँ नहीं पता है पता ना आगे देखिए केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बीकानेर जोधपुर बाड़मेर या जयपुर बताओ भाई हाँ मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को जीरो कहते हैं बिल्कुल कहते हैं मरुद्दिद भी कहते हैं बिल्कुल कहते हैं आज ही क्लास में शायद पढ़ाया था मैंने अज्जू परमार ऑफिशियल कुकुम मीणा बिल्कुल आपका सही है पहली बार आए छक्का मरा मान लगा दिया आपने तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए भाई सब के सब। आकाश पुरी कल्पना गौतम शालू गोस्वामी अज्जू परमार सुमन सोनू बताओ सत्यवान सांकला वेरी गुड तो आपसे सवाल पूछा है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के बारे में आपसे पूछा है और आपको इसका क्या देना है आंसर देना है बता दीजिए भाई सीधा सवाल है कहां पर है बताओ केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहां पर है भाई हाँ केंद्रीय सु क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान बिछवाल के अंदर है तो ये कहां पर है हाँ जोधपुर जिले में भाई कहाँ पर है जोधपुर जिले के अंदर है बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने अगला सवाल देखो। अगला सवाल सवाल देखो है ये वाला काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की भाई साहब काजरी अपने जोधपुर में तो कहते हैं कि बोर कहाँ के काजरी के बेर कहाँ के काजरी के बाजरी कहाँ की काजरी की फल कहाँ से लाए काजरी से लाए तो काजरी जोधपुर वालों के लिए बड़ी हूं। एक तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जो भी नए नए फसलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं तो जोधपुर वाले कहते हैं अच्छी नस्ल का पौधा दो अच्छी किस्म का पौधा दो तो ये जोधपुर से है पता वो हाँ एच जी गेमिंग सुरेश सिंह गुर्जर सी एच संगीता पाटीदार हाँ भाई संगीता पाटीदार संगीता पाटीदार साक्षी शर्मा निशु सत्यवान सांगला रवि खेत्री राइट आंसर क्या है इसका तो किसके सहयोग से भाई काजरी की स्थापना पूछी है बताओ भाई सी ए जेड आर आई जिसकी स्थापना कनाडा व यूनेस्को के सहयोग से की गई थी काजरी के बारे में तीन बातें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है इसका पूरा क्या नाम है केंद्रीय शुष्क क्या नाम है भाई केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र है ये फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसकी स्थापना 1959 में हुई थी सॉरी इसकी स्थापना कनाडा से नहीं हुई थी है ना भाई कनाडा वाला गलत है ऑस्ट्रेलिया ने की थी ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को ने की थी कनाडा ने बिल्कुल नहीं की थी ठीक है अब आगे बात करता हूं इसके बारे में तो आपको याद रखना है कि इसका क्या कार्य है तो ये कार्य इसका क्या भाई कि शुष्क व अर्ध शुष्क कैसे शुष्क है और एक है अर्ध शुष्क शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर क्या करना भाई वनों से संबंधित एक्सपेरिमेंट करना और क्या करना भाई वनों के विकास हेतु शोध करना वनों के विकास के लिए क्या करना शोध कार्य करने का कार्य है इस विकास के लिए शोध का कार्य करता है ये काजरी कहां पर है काजरी तो काजरी है जोधपुर जिले में क्या है जोधपुर जिले के अंदर है याद रखना और कहता है कि काजरी का पुराना नाम क्या था तो पुराना नाम आपसे पूछे काजरी का पुराना नाम क्या था तो पुराना नाम था मरु वनीकरण केंद्र क्या नाम था मरु वनीकरण केंद्र था और मनु मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना होती है जोधपुर में वो होती है 1952 में कब होती है 1952 में होती है ये भी आपको याद रखना है बाद में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में काजरी है इस काजरी के कितने उप केंद्र है कि सर काजरी के पांच उप केंद्र है कितने उप केंद्र है पांच उपकेद्र है ये भी आपको क्या रखना है ये याद रखना है कहां पर है एक तो अपने बीकानेर के अंदर है कहां पर है बीकानेर के अंदर उपकेद्र है एक है जैसलमेर के अंदर कहां पर है जैसलमेर के अंदर और कहां पर है तो और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहना सर एक है पाली के अंदर एक पाली के अंदर है एक भुज के अंदर है भुज कहां पर है गुजरात के अंदर है और एक कहां पर है भुज के अलावा तो एक है लेह लद्दाख के अंदर कहां पर है लद्दाख के अंदर है तो काजरी के पांच उपकेंद्रों में से एक गुजरात के अंदर भुज में है और बाकी एक लद्दाख के अंदर है सीधे सवाल का एकदम से आपको क्या देना है सटीक सटीक आंसर देना है बाकी सवाल यहां से बाहर नहीं जाएंगे आगे बात करता हूं आपके सामने तो अगला सवाल है ये वाला सवाल ये पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड आपको बताना है बता दीजिए भाई आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र बताओ भाई आप आद्र दक्षिणी मैदान उत्तरी दक्षिणी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बताओ भाई इसमें से कौन सा सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को आपने पढ़ा है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है अब आपको बताना है भाई राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड बताना है बता दो बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है जब भी आपसे सवाल पूछे इस प्रकार का तो आप कहोगे सर आद्र दक्षिणी मैदान है कौन सा भाई उपाद्र आद्र द, आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है याद रखना ये वाला क्षेत्र है वो सबसे छोटा क्षेत्र माना गया है ये क्या है भाई सबसे छोटा क्षेत्र है आद्र दक्षिणी मैदान है ना ये आद्र दक्षिणी मैदान ए ऑप्शन सही है अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा ये सवाल पूछा जा चुका है तो बताओ भाई सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा अगर पूछ लिया तो सबसे बड़ा के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि शुष्क पश्चिमी कौन सा भाई शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है भाई याद रखना शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है और आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान को दस्त कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है राजस्थान में कुल कितने दस कृषि जलवायु खंड है ये भी याद रखना है तो जलवायु खंड कितने हैं भाई दस है ये भी याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है तो आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है सबसे छोटा और सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है ये भी आपको याद रखना है अब आपको ये भी याद रखना है इसके बारे में कि भाई देखो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो इसका निर्धारण किया जाता है औसत वर्षा के माध्यम से किसके माध्यम से किया जाता है एवरेज रेन के माध्यम से किया जाता है अगला सवाल देखो और अगला सवाल है ये वाला राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है बताओ भाई अनार पूछा है अनार कली नहीं पूछा है ना हाँ तो अनार उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है बता दीजिए भाई अभी मीणा रोहित बुज सीमा यादव महेंद्र देवड़ा तो उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ रहे हैं उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपको बताना है बता दीजिए भाई इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि ऐसे उत्कृष्टता केंद्र अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं अब बताओ भाई आपके सामने पड़े हैं उत्कृष्टता केंद्र कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है बताओ वेरी गुड पूछा है अन्नार कौन सा पूछा है भाई अन्नार उत्कृष्टता केंद्र है बताओ भाई कहां पर है हाँ तो ये है डिंडोल के अंदर कौन से डोल के अंदर है डिंडोल के अंदर है डिंडोल कहां पर है जयपुर के अंदर है अब देखिए कुछ उत्कृष्टता केंद्र जो आपसे पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि भाई देखो संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे संतरा केंद्र आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे तो वैसे तो अपने झालावाड़ के राजस्थान का नागपुर कहते हैं लेकिन उत्कृष्टता केंद्र के कोटा में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा मक्के का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है मक्का उत्कृष्टता केंद्र मक्का उत्कृष्टता केंद्र जब भी आपसे पूछे तो आप चले जाना उदयपुर कहां जाओगे उदयपुर पूछा पूछा जाएगा जाएगा फिर आपसे फूलों का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है तो फूलों का उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र तो आप क्या जवाब दोगे तो आप कहोगे सर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है बूंदी जिले में किस जिले में बूंदी जिले में फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा ड्रैगन फ्रूट वाला पूछा गया भाई ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है तो ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है डिंडोल जयपुर के अंदर है फिर आपसे पूछा जाएगा खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है तो ये है भाई सागर भोज का कौन सा भोज का सागर भोज का पे है और सागर भोज का कहां पर है जैसलमेर के अंदर है ये भी आपको याद रखना है एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको याद रखना है और पूछा भी गया है कि सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है तो सीतापल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछे तो आप कह देना सर चित्तौड़गढ़ में है कौन से गढ़ में है चित्तौड़गढ़ के अंदर सीतापल उत्कृष्टता केंद्र है और आपसे पूछे कि आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है तो आम उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो आप कह देना खेमरी के अंदर है खेमरी कहां पर है भाई कौन से पुर में है धौलपुर के अंदर है ये भी आपको याद रखना ये सारे के सारे कौन से केंद्र है तो उत्कृष्टता केंद्र है याद रखना है सीधे सवाल सीधे तरीके से आपको आंसर देना है अगला सवाल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर और अगला सवाल कौन सा है और अगला सवाल है ये वाला क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा निम्न में से वर्षा काल की फसल वर्षा काल की कृषि है वाह भाई वाह तो इनमें से कौन सी वर्षा काल की कृषि है खरीफ रबी या इनमें से कोई नहीं बताओ भाई वर्षा काल की कृषि कौन सी है बताइए भाई कुहू मीणा रोहित भुज अभी विक्रम चौधरी सालू गोस्वामी अज्जू परमार अभी मीणा बताओ खतरनाक तरीके से आंसर बताना है बता दो फटाफट विक्रम चौधरी अभी मीणा हाँ बढ़िया आंसर दिया है देखो पढ़ने वाले बच्चे दे रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड ये सी वालों को तो पकड़े बाहर निकालो धक्का देके बाहर निकालो इनको राइट आंसर है खरीफ क्या है खरीफ है खरीफ वर्षा पर आधारित तो होती है कब बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल और खरीफ की फसल को मानसून का जुआ कहते हैं कि बरसात तो होगी तो ही क्या होगा भाई फसल का प्रोडक्शन होगा और खरीफ की फसल को क्या कहते हैं सियालू कहते हैं क्योंकि गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों ah. में काटी जाती है है Although ना तो ये भी याद रखना है फिर आपसे क्या पूछा जाएगा रबी की फसल और रबी की फसल को क्या कहते हैं उनालू फसल, है। फसल, है? उना फसल कहते हैं कौन सी फसल कहते हैं उनालू फसल कहते हैं इसके अलावा ये कब बोई जाती है तो ये कब बोई जाती है भाई ये तो वर्षा पर आधारित तो होती है सर्दियों में बोई जाती है जायद कब बोई जाती है तो जायद बोई जाती है अप्रैल मई में कब अप्रैल मई में बोई जाती है मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में बोई जाती है और उसके बाद मई जून में काटी जाती है अब देखो आपको इनमें कौन सी फसलें किस में आती है खरीफ में देखो आप आते हो बाजरी गवार मौ अरंडी मूंगफली कपास गन्ना ठीक है इसके अलावा और कौन सी है भाई तो गवार के अलावा और कौन सी होगी भाई मूंग की फसल हो गई तिल हो गया ये सब किसकी फसल है ये सब इसकी फसल है अब रबी की फसल क्या करोगे मटर करोगे गेहूँ करोगे सरसों करोगे राई करोगे तारा मीरा करोगे और क्या करोगे जौ करोगे ये है जायद के अंदर क्या होती है तो हरी हरी घास होती है एक तो हरी घास होती है एक ककड़ी होती है एक खरबूजा होता है है ना या फिर क्या कहते हैं इसमें चारा फसलें कहते हैं चारा फसलें या फिर इसमें क्या कहते हैं कि सब्जी उगाई जाती है गर्मियों के दौरान बस ये फसलें मूंगफली बिल्कुल मूंगफली इसमें आएगी भाई ये मूंगफली आएगी वो खरीफ में आएगी है ना आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं हाँ तरबूज भी आता है खरबूज भी आता है दोनों साथ ही आते हैं ना भाई आगे बात करते हैं अगले सवाल को देखो और अगला सवाल है ये वाला राजस्थान में इस सब गोल मंडी कहाँ पर स्थापित है बताओ भाई राजस्थान में इस सब गोल की मंडी तीन बार ये रिपीट हो चुका है सीधे सीधे आंसर बताना है बता दो भाई संतोष वैष्णव सागर खरोड राजमल मीणा रोहित भुज सुमन सोनू रोहित भुज बताओ मीणा राइट आंसर बताना है राजस्थान में इस सब गोल की मंडी कहाँ है मंडोर भीनमाल शिवाना या आबू रोड सब गोल की मंडी पूछिए आपसे बताओ इस सब गोल कहां पर है इसकी सब गोल की मंडी बढ़िया आंसर बता रहे हो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई वेरी गुड वेरी गुड हाँ तो एक बात और बता दूं कि आप लोगों में से हाँ तो देखो भाई आप में से कोई भी आपका भाई बंधु है मैं आपको सारी जानकारियां दे रहा हूं आज एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बता दूं एस एस सी जी वालों आपका एग्जाम डेट जनवरी में दे रखा है अब आपको हम क्या दे रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं 221 दे रहे हैं चैप्टर टेस्ट कैसे टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं पहली बात तो ये याद रखना है है ना चैप्टर टेस्ट 221 221 चैप्टर टेस्ट के अलावा हम आपको क्या दे रहे हैं Yeah! Wow. Really? हम आपको फुल टेस्ट दे रहे हैं कैसे टेस्ट दे रहे हैं फुल टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद हम आपको हम आपको क्या दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर तो दे रहे हैं किसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको दे रहे हैं उसके बाद हम आपको क्या दे रहे हैं तो सौ और आपको सो मोर यानी सौ एक्स्ट्रा टेस्ट और देंगे जो इस 221 35 और 50 और पचास को अटेंड कर लेगा उस अटेंड करने वाले के सामने कितने, में. कितने में? में आपको कितने टेस्ट मिल रहे कितने पांच सौ टेस्ट मिल रहे, कितने? 500 टेस्ट मिल रहे तो देर किस बात की मेरे भाई तैयारी कर रहे हो तीन रुपए में 500 टेस्ट और देख लो क्या क्या मिल रहा है कैसे मिलते हैं टॉपिक टेस्ट मिलते हैं 221 टॉपिक टेस्ट 35 आपको फुल टेस्ट मिलते हैं 50 आपको सेक्शन टेस्ट मिलते हैं यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे के सारे उसके बाद 99 आपको 89 प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं कितने पेपर उन्नबे आपको प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं एक चीज और 100 आपको जैसे ही आप 221 35 और 50 और 99 टेस्ट दोगे तो उसके साथ आपको सौ टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे जब आप इनको अटेंड करोगे तो ही आगे वाला ब्लॉक खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा भागना नहीं है तक्षशिला एकेडमी का जो लिंक में ऐप दे रखा है वो डाउनलोड करो है ना वो तो आप डाउनलोड करो बाकी आपको सारा मिल जाएगा और सीई का है हमारी टीम लात दिन लगी हुई है बराबर आपके लिए तो सीई वालों के लिए भी आ जाएगा घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है टेस्ट दो और आप दो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप टेस्ट ही टेस्ट दो टेस्ट देने से ही आपका क्या होगा दिमागी संतुलन ठीक होगा तैयारी मतलब पेपर कैसा आएगा वो खुद का एनालिसिस हो जाएगा है ना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड कर लो और कोई भाई बंधु अगर सीरियस है और उसको तैयारी करनी है तो कर लेना बाकी वीडियो कोर्स लेना चाहो तो वीडियो कोर्स भी पढ़ा है और लाइव कोर्स लेना चाहते हो तो लाइव कोर्स भी पढ़ा है सारे के सारे पढ़े क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जहां आपको राजस्थान की नंबर वन फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा अगला सवाल देखो और अगला सवाल यह है कि राजस्थान में इस सब गोल की मंडी कहां पर है यह आपको बताना है बताओ इस सब गोल की मंडी कहां पर है सीधा सवाल बेहतरीन सवाल एकदम बढ़िया बताओ भाई इस सब गोल के बारे में पूछा है नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इस सब गोल के बारे में जिसका वैज्ञानिक नाम है सिल्लम जिसको कौन सा जीरा कहा जाता है घोड़ा जीरा कहा जाता है इस सब गोल की आपको पूछिए मंडी तो मंडी कहां पर है भाई भी? भीन माल के अंदर है कौन से माल के अंदर है भीन माल के अंदर है भीन माल कहां पर है जालोर के अंदर है अब इस सब गोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं वो आपको याद रखनी है और क्या क्या बातें याद रखनी है याद रखना इस सब गोल को कहते हैं घोड़ा जीरा कैसा जीरा कहा जाता है भाई घोड़ा जीरा कहा जाता है और ये कौन से मौसम की फसल है तो ये रबी की फसल है रबी की क्या है ये फसल है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा घोड़ा जीरा के बारे में और इतना बेहतरीन तरीके से आपको पूछा जाएगा कि बताइए भाई राजस्थान उत्पादन में पहले नंबर पे है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो सर्वाधिक उत्पादन अपना राजस्थान में होता है यह भी याद रखना है कहां पर हो रहा है राजस्थान में हो रहा है फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि विश्व का 40 प्रतिशत राजस्थान में हो रहा है फिर आपको याद रखना है इसके बारे में और कौन सी बात याद रखनी है कि बताओ भाई इस सब गोल का सर्वाधिक उत्पादन कहा कौन कर रहा है तो अब सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछे तो आप जालोर नहीं करोगे आप करोगे बाड़मेर पहले होता था जालोर में अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इस सब गोल के बारे में और क्या पूछा जाएगा कि अनुसंधान केंद्र कहा है तो इस सब गोल का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो मंडोर के अंदर है। अनुसंधान केंद्र कहां पर है इस सब गोल अनुसंधान केंद्र मंडोर के अंदर है अबू रोड में क्या है तो इस सब गोल कारखाना है कौन सा कारखाना है इसब गोल कारखाना है यह भी आपको याद रखना है तो इस सब गोल कारखाना कहां पर है अबू रोड में है इस सब गोल की मंडी कहां पर है भीनवाल जालोर में है, है? मंडोर में है इसे कौन सा जीरा कहा जाता है ये घोड़ा जीरा है कौन सा जीरा है भाई घोड़ा जीरा कहा जाता है ये भी आपको किसके बारे में याद रखना है इस सब गोल के बारे में याद रखना है अब आपको ये भी याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग कहाँ होता है तो आपको याद रखना है भाई इसका उपयोग होता है कहाँ पर दवाइयों में इसका उपयोग होता है एलोपैथी और होम्योपैथी एलोपैथी में इसका उपयोग होता है इसका उपयोग होम्योपैथी में होता है होम्योपैथी एलोपैथी और इसका और कहां पर होता है तो आयुर्वेदिक सब में इसका क्या होता है उपयोग होता है घर में दादी दादा नाना नानी मम्मी पापा से पूछना कि इसका उपयोग कहाँ होता है वो अच्छे से बता देंगे आपको है ना कि इसका उपयोग वहां होता है बेहतरीन बेहतरीन सवाल है है? और तरीके से आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है भाई अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल अपने स्क्रीन पर क्या दे रहा है अगला सवाल यह दे रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है अब आपको असुमेलित बताना है कि न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि वाला जिला भरतपुर सर्वाधिक व्य बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर सर्वाधिक पड़त भूमि वाला जिला जोधपुर सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला पाली बताओ भाई इनमें से कौन सा गलत है बताओ भाई सीधा सवाल, सवाल है और तरीके से आपको आंसर देना है? बताओ सागर खरोड़ कुहू मीणा आकाशपुरी अभी मीणा बताओ भाई बताओ, बताओ 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 राहुल नायक राइट आंसर क्या है इसका

प्रेमलता चौहान माधुरी भार्गव विक्रम चौधरी वेरी गुड ममता शर्मा रोहित अनिल सी एच काली ब्लॉक लसाड़िया तो राइट आंसर इसका है भाई वो आपका है भरतपुर जिला नहीं है यहाँ पे भरतपुर की जगह कौन सा जिला करोगे हनुमानगढ़ करोगे कौन सा गढ़ करोगे हनुमानगढ़ करोगे याद रखना न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है हनुमानगढ़ और सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर और सर्वाधिक पड़त भूमि है वो अपने कौन से पूर्व में है जोधपुर में है। और सर्वाधिक लवणीय अर्थात खारी मिट्टी कहां पर खारी भूमि कहां पर है पाली जिले में है किस जिले में है पाली जिले में ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है सीधे और सटीक सवाल है अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट सवाल है आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ देखना है ना अगला सवाल बताना है अगला सवाल है ये वाला अगला सवाल है ये वाला क्या कह रहा है भाई दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दलहन का मतलब होता है दाल क्या होता है भाई दाल और दाल उत्पादन में दलहन की सभी दालों में राजस्थान का कौन सा स्थान है बता दो भाई सीधा सवाल एकदम सटीक आंसर देना है बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आंसर देने हैं अधीनस्थ बोर्ड से सवाल अक्सर क्या कर लेता है पूछ लेता है बताओ भाई दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा उत्पाद स्थान है बताओ भाई इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है इससे रिलेटेड दलहन से रिलेटेड पूछा है तो आप क्या कहोगे भाई हाँ दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है बहुत बढ़िया विक्रम चौधरी शाबाश रीना अमेडा बहुत बढ़िया कल्पना गौतम ये देखो भाई महेंद्र आकाशपुरी नानू सुरेंद्र सिंह बता दीजिए राजमल मीना संतोष वैष्णव अनिल शर्मा अंजू सिसोदिया बताओ भाई कुहू मीणा एच जी गेमिंग ओपन हाँ अनिल शर्मा राजमल मीणा वेरी गुड सद्दाम अनिल वेरी गुड नानक मैंने जिन जिन का नाम लिया ना इन सब ने गलत बताया मैं आपको पहले ही बता दूं राइट right आंसर है इसका दलहन उत्पादन में देश का दूसरा स्थान है कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है ये याद रखना है जिनका मैंने नाम लिया उन सबके गलत आंसर थे जिन्होंने ए ए बी सी सी ठीक थे ना उनका गलत है अब आपको याद रखना है दलहन के बारे में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा दलहन के बारे में कि देखिए भाई दलहन होता है ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है भूमि की क्या बढ़ाता है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है फिर आगे देखिए अगला सवाल और अगला सवाल आपसे दलहन के बारे में पूछा जाएगा कि ये मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है किसकी मात्रा बढ़ाता है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है भाई बढ़ाता है ये भी आपको याद रखना है फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है अगर ये पूछ ले बताओ भाई कब मनाया जाता है दलहन दिवस तो आप कह देना कि सर मनाया जाता है कितनी फरवरी को दस फरवरी को मनाया जाता है कौन सी फरवरी को दस फरवरी को चौदह फरवरी, को? दस फरवरी को, से दस चार दिन पहले मनाया जाता है दलहन दिवस याद रखना पहले स्थान पर क्या है भाई हाँ वेरी गुड अब देखिए आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला क्या कह रहा है ध्यान से देखना मेरे भाई गलत नहीं बताना है ये देखो सियालु फसलों की बुआई कब की जाती है बेहतरीन सवाल है सियालु फसलों की बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है कि इनकी बुआई कब होती है बताओ भाई सियालु फसलों की बुआई कब होती है अच्छा सवाल पूछा है आपसे और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि आपको इसका क्या देना है आंसर देना है वेरी गुड वेरी गुड बताओ भाई तो सियालू फसलों का पूछा जाएगा आपको कि बताओ भाई सियालू फसलें और सियालू फसलों की बुआई कब होती है बताओ भाई वेरी गुड कब होती है भाई बहुत बढ़िया हाँ आज गलत ज्यादा हो रहे हैं आज तैयारी नहीं की थी आपने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बताओ भाई सियालू फसलों की बुआई कब होती है बताओ भाई हाँ तो कौन बता रहा है संतोष वैष्णव नानू बता रहे हैं कल्पना गौतम बता रही है फिर कौन बता रहा है राहुल बता रहा है अनिल 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 के बाद में सुमन अमृता अमृता के बाद में सद्दाम सद्दाम के बाद में हाँ राहुल राहुल के बाद में अनिल संतोष आकाश सीमा संतोष राज राजमल धर्मा भाटी हाँ तो जिनका नाम लिया उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि सर ये बोई जाती है कब जून और जुलाई में अब आपको सियालू फसलों के बारे में याद रखना कि जी श्यालु फसलों को क्या कहा जाता है खरीफ की फसल क्या कौन सी फसल कहा जाता है खरीफ की फसल कहते हैं अब इस फसल के बारे में आपको याद रखना है कि सर ये जून और जुलाई में बोई जाती है जून जुलाई में क्या करते हैं इसकी बुआई होती है ये तो याद रखना है बुआई होती है फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा जून जुलाई में इनकी बुआई होती है तो फिर आपको बताओगी इसकी कटाई कब होती है बताओ भाई तो इसकी कटाई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में कब होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर यह वर्षा किस पर निर्भर है तो ये फसलें वर्षा पर निर्भर है किस पर निर्भर है वर्षा पर निर्भर है अब खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है तो याद रखना चावल क्या होता है चावल होता है एक होता है कपास क्या होता है भाई कपास होता है इसके अलावा क्या होता है बाजरा होता है बाजरा के अलावा क्या होता है भाई मूंगफली होता है कौन सी फली होता है मूंगफली होता है मूंगफली के अलावा और क्या होता है भाई सोयाबीन होता है कौन सा बीन होता है सोयाबीन होता है और क्या होता है भाई तो आप कहोगे सर एक होता है अरहर अरहर के बाद में क्या होता है उड़द होता है उड़द के बाद में क्या होता है मूंग होता है मूंग के बाद में मौत होता है मौत के बाद में क्या होता है गवार होता है गवार के बाद में क्या होता है भाई गवार के बाद में आपको बताना है भाई बताओ कौन सा होता है गवार के बाद में तो आप कहोगे सर गवार के बाद में अपना होता है गन्ना कौन होता है भाई गन्ना भी होता है ये गन्ना हो गया और क्या होता है गन्ना के अलावा बताओ भाई अपने तो आप कहोगे सर गन्ना के अलावा होता है अपने कौन सा होता है बताओ भाई फटाफट आंसर बताना है सवाश अरंडी होता है कौन होता है भाई अरंडी होता है तो ये वो फसलें हैं जो किस कब बोई जाती है खरीफ में बोई जाती है याद रखना है सीधे सवाल का सीधे तरीके से आंसर देना है बाजरा मक्का मक्का बिल्कुल मक्का आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है अगले सवाल में आपको ये कहना है और ये बताना है क्या कह रहा है सवाल वो ध्यान से देखना सवाल ये पूछ रहा है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी तो केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ के अंदर और इसकी स्थापना कौन से देश के सहायता से की गई थी ये आपको बताना है भाई लोग आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो फटाफट एक तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए फटाफट ज्यादा से ज्यादा फिर मैं आपको बताता हूँ केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किसकी सहायता से हुई कनाडा रूस ब्रिटेन या फिर अमेरिका तो बताओ भाई सीधा सवाल पूछा है आपसे और एकदम से बढ़िया आंसर देना है आपको बताइए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इतना अच्छा इतना प्यारा सवाल आपसे पूछा है बताओ भाई केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कौन से देश की सहायता से हुई थी तो आप क्या कहोगे भाई बहुत बढ़िया भाई किसकी सहायता से हुई है बताओ हाँ तो इनमें से महिमा बता रही है अशोक बता रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शालू गोस्वामी शालू गोस्वामी ने एग्जैक्ट एक एकदम सही बताया है रूस की सहायता से हुई थी किसकी सहायता से रूस की सहायता से हुई थी कब हुई थी 1965 में हुई थी स्थापना 1965 में याद रखना इसकी स्थापना रूस की सहायता से हुई थी आप कहोगे सॉरी उन्नीस में हुई थी ना उन्नीस में नहीं उन्नीस में हुई थी और आपको यह भी उन्नीस में उन्नीस सौ में नहीं उन्नीस में होती है उन्नीस में किसकी हुई थी उन्नीस में केंद्रीय कृषि फार्म की हुई थी है ना केंद्रीय कृषि फार्म इसकी स्थापना हुई थी यह भी केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है तो ये जैत सर के अंदर है कहां पर है जैत सर के अंदर है केंद्रीय कृषि फार्म जैत सर है जैत सर कहां पर है श्रीगंगानगर के अंदर है तो इसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी इसकी स्थापना हुई थी कनाडा की सहायता से और इसकी जो स्थापना हुई थी केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी वो रूस की सहायता से हुई थी और इसके अलावा आपको एक बात जो याद रखनी है कि ये सूरतगढ़ जो है रूस की सहायता से हुई थी गंगानगर में और आपको याद रखना कि ये सूरतगढ़ वाला जो कृषि फार्म है वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है एशिया का सबसे बड़ा कैसा फार्म है भाई तो आप कहोगे सर कृषि फार्म है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये भी याद रखना है ना आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल आपको क्या कह रहा है अच्छी बात कहेगा आपको बताइए भाई भू जोतों का औसत आकार क्या है राजस्थान में बढ़िया सवाल पूछा 2016 17 के अनुसार यही डाटा चल रहा है भू जोतों का आकार वाला रोहित भूज अभी सत्यवान सुरेंद्रर बताओ भाई फटाफट और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो और फटाफट लाइक करते रहिएगा जो परमार खेमराज मीणा हेमराज मीणा हां फर्स्ट क्लास है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो अभी के अभी हां वेरी गुड तो राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार पूछा है आपसे कि हमारे राजस्थान में जो भूमि की जोते हैं उनका औसत आकार क्या है यह आपको बताना है इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है बताओ भाई क्या है कितना है भाई तो आप क्या जवाब दोगे कि सर राजस्थान का औसत कृषि जोत है वो कितना है भाई दो पॉइंट परसेंट पर है कितना है दो पॉइंट तेहत्तर हेक्टेयर है किसका राजस्थान का और अगर आपसे भारत का पूछ ले तो भारत का अगर आपसे पूछ ले कि भारत में भू जोतों का औसत आकार क्या है तो आपको वहां पे एकदम से आंसर देना था कि सर एक पॉइंट इकतालीस हेक्टेयर है कितना है एक पॉइंट इकतालीस हेक्टेयर है, है? एकदम सीधा सवाल देना था सीधा जवाब देना था ठीक है भाई तो ये हेक्टेयर के बारे में बात हुई थी और अगर आपसे ये भी सवाल पूछे कि राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो राजस्थान में कृषि जोतों का राजस्थान में कृषि जोत अगर आपसे पूछे कृषि जोतों में सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन थे है तो फर्स्ट रैंक पर है बाड़मेर सर्वाधिक कृषि जोतों की अगर बात करें तो बाडमेर जिले में है और अगर सबसे कम सबसे न्यूनतम अगर बात करें तैतीसवा जिला जो सबसे लास्ट में है कृषि जोतों में वो आपका कौन सा है भाई अगर ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये जिला है डूंगरपुर कौन सा पूरे डूंगरपुर है सीधा सवाल है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला क्या पूछ रहा है सवाल राजस्थान में कृषि जीन की संख्या है और राजस्थान की कृषि जीन संख्या कितनी है यह आपको बताना है अच्छा सवाल पूछा है पंद्रह दस पांच अट्ठारह बता दो तो भाई फटाफट और वीडियो को क्या करना है लाइक करना है वीडियो को क्या करना है लाइक करना है राजस्थान में कृषि जीन के बारे में आपसे पूछा है बताओ भाई राजस्थान में कृषि जीन के बारे में इतना अच्छा सवाल पूछा है और इसी तरीके से आपको इसका प्रॉपर तरीके से क्या देना है आंसर देना है बताओ राजस्थान में कृषि जीन का आकार वेरी गुड है भाई नहीं बता रहे हो अरे बता दो यार इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे वेरी गुड राजस्थान में कृषि जीन कितने है भाई बढ़िया 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 फटाफट आंसर टिका दो हाँ कितना अच्छा सवाल है फिर भी डापा हो रहे हो भाई हाँ तो राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कृषि जीन कितने हैं तब आप क्या कहोगे बताओ भाई कितने हैं बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई आप लोग बस डापा चूक और कुछ नहीं है कुल कितने हैं भाई राजस्थान में वेरी गुड कितने अरे भाई ये सी वाले बात कर रहे हैं सी वालों को तो मैं बता दू पांच राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय इतने मत मारो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय है कितने हैं पांच अब है। अब आगे बताओ राइट आंसर क्या है इसका हाँ कितने जॉन है कृषि जॉन ये जी नहीं ये जॉन है कुछ डापा चुक हो गया लिखने वाला तो राजस्थान में कितने कृषि जॉन है भाई दस है कितने हैं दस है और एक सवाल जो आपसे सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा और वो क्या पूछा जाएगा हमारे भाई, है। है भाई दस है और एक सवाल जो आपको डापा चुप करेगा राजस्थान में कृषि खाद्य पार्क कितने हैं कृषि खाद्य पार्क कितने हैं अगर ये आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर चार है कहां, कहां पर है तो एक है रानपुर के अंदर रानपुर है अपने कोटा में एक कहाँ पर है बोरा नाडा के अंदर है बोरा नाडा किधर है भाई बोरा नाडा अपने जोधपुर के अंदर है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई बोरा नाडा के अलावा कौन सा नगर है तो गंगा नगर है और आपसे पूछा जाएगा कौन सा वर है तो आप कहोगे अलवर है याद रखना सवाल सीधा है बेहतरीन सवाल है और अक्सर अगला सवाल देखिए और अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है ध्यान से देखा भाई अगला सवाल है ये अगला सवाल है ये वाला राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र क्या सवाल पूछा है राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है कुंबलगढ़ माउली गोगुंदा या कपासन बायोफ्यूल के बारे में बात हुई अच्छा है डोंट बी डापा चुक सीधे सीधे आंसर देने अच्छा सवाल पूछा भाई बताओ वेरी गुड राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है बताओ बायोफ्यूल के बारे में बात हुई है और बायोफ्यूल के बारे में आपको बताना है बताओ राजस्थान में बायोफ्यू फ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है बताइएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो बायो फ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपको पता ही नहीं है पता है थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपसे पूछा है यार ये भी नहीं पता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहां पर है माऊली के अंदर है वाह भाई वाह तो मत मारो सीधे सीधे बताओ बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछा है क्या जवाब दोगे आप बताओ 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 वेरी गुड बढ़िया आंसर बता रहे हो आप बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछा है कहाँ पर है फिर मैं आपका बायोफ्यूल से रिलेटेड सारी बातें बता देता हूँ हाँ बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपसे पूछ रहा है और आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो भाई बताओ कौन सा जिला है बताओ 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 नहीं पता है बाोफ्यूल उत्कृष्टता अंदर कहां पर है चित्तौड़गढ़ बता रहे हैं आधे जने आधा जने लोकेश बता रहा है ए है सीमा बता रही है डी है फिर कौन क्या बता रहा है हाँ कहां है भाई डी है डी है ए है चंदन 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 देवी चंदा देवी मीणा बता रही है ए है और बता दो भाई हाँ ये प्रश्न कहाँ से लाए हो ये प्रश्न आपकी कृषि वाला टॉपिक दिया ना मेरे भाई वहां से दिया है ना ये सी बता दिया है कहां पर है आप तो बता दो ले भाई ठीक है बताओ भाई तो देखो बायोफ्यूल के बारे में मैं आपको बातें बता देता हूं जो आपको क्या रखनी है याद रखनी है किसके बारे में बायोफ्यूल के बारे में क्या सवाल पूछा जाएगा बताया जाएगा राजस्थान बायोफ्यूल प्र... बायो प्राधिकरण राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई तो बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना 2007 में हुई थी पहले तो ये याद रखना कब हुई 2007 में हुई थी फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बायोफ्यूल में कौन से पौधे के बीजों का प्रयोग होता है तो इसके अंदर एक पौधा कौन सा होता है भाई रतन जोत होता है कौन सा जोत होता है रतन ज्योत होता है एक पौधा कौन सा होता है करंज होता है कौन सा होता है करंज होता है याद रखना वो पौधे जिनसे क्या निकलता है भाई तेल निकलता है एक अलावा होता है ना ये भी होता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान के कितने जिलों में बायोफ्यूल की क्या है भाई बायोफ्यूल से संबंधित पौधे हैं तो बारह जिलों में है अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर बायोफ्यूल नीति कब बनाई गई तो आप क्या कहोगे सर राजस्थान में बायोफ्यूल नीति कब बनाई गई तो आप कहोगे सर 2007 में बनाई गई थी कब बनाई गई थी 2007 में बनाई गई थी फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा राजस्थान बायोफ्यूल मिशन की स्थापना कब हुई बायोफ्यूल मिशन की स्थापना कब हुई तो आप कह देना बायोफ्यूल मिशन की स्थापना 2005 में हुई थी फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई बायोफ्यूल नियम के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम बायोफ्यूल कौन सा फ्यूल राजस्थान का प्रथम कौन सा फ्यूल बायोफ्यूल और बायोफ्यूल भी क्या बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट मोबाइल रिटेल आउटलेट की स्थापना कहाँ पर हुई तो रिटेल आउटलेट की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर ये हुई थी जोधपुर के अंदर कौन से पुर के अंदर हुई थी जोधपुर के अंदर हुई थी फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है तो बायोफ्यूल दिवस बता दो भाई कब मनाया जाता है बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है भाई बायोफ्यूल दिवस बताओ नहीं पता है आपको ध्यान दगाओ थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आप कहोगे सर ये मनाया जाता है दस अगस्त को कब मनाया जाता है दस अगस्त को तो फिर आप ये बताओ कि बायो बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ये है अपने कौन से जिले के अंदर बताओ फटाफट आंसर बता दो भाई अब तो बता दो तो आप कहोगे सर ये अपने हैं मावली के अंदर कौन सी जगह में है भाई माउली के अंदर है माउली कहां पर है तो माउली उदयपुर के अंदर है याद रखना Okay. आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है ये वाला और ये सवाल क्या कह रहा है डिलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है है बढ़िया सवाल पूछा डिलाइट ऑफ डायबिटिक कौन सी फसल को कहा जाता है बताओ जो डायबिटीज को क्या करता है कम करने का कार्य करता है डिलाइट ऑफ बायोबिटिक डायबिटिक अच्छा सवाल है बेहतरीन सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है इसका आंसर बताओ भाई क्या है राइट आंसर बढ़िया सवाल पूछा है सवाल पहले पूछा गया है ना भाई मैं नहीं पूछ रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है बताओ अब कौन सा राइट आंसर है इसका वेरी गुड राजमल मीणा फटाफट आंसर बताओ भाई वेरी गुड तो आपको इसका क्या बताना है आंसर बताना है इतनी अच्छी फसल है और उस फसल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है कि डिलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है बताओ डिलाइट ऑफ हाँ इसको कहा जाता है भाई नहीं पता है के मत मारो यार सीधे सीधे बता दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो इसका राइट right आंसर पता ही नहीं आपको अरे अपने गांव में जिसको फुम्बी कहते हैं फुम्बी या खुम्बी फुम्बी या खुम्बी जिसको क्या कहा जाता है मशरूम कहा जाता है जिसको खुम्बी भी कहते हैं फुम्बी भी कहते हैं छत्तर वाली फुम्बी भी होती है सीधी वाली भी होती है और बड़ा वाला फुम्बा भी होता है खुम्बा भी होता है तो मशरूम इसका क्या है भाई एग्जैक्ट सही आंसर है ना श्वेत पटेटो श्वेत पटेटो नहीं कहते श्वेत पटेटो और याद रखना कि ये जो मशरूम है ये कल किस मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी भाई अपने राजस्थान में तो ये मानसून के दौरान होती है कब होती है जब मानसून सक्रिय होता है उस मानसून सक्रियता के दौरान आपको ये देखने को मिलेगी मशरूम ठीक है आगे आपको याद रखना है ऐसे ऐसे सवाल भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई पूछ लिए जाते हैं तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है क्या करना है भाई एकदम तगड़े वाले तरीके से आपको पढ़ना है और ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं डापा चुप करते हैं हाँ ये देखो कल्पना गौतम लेके आ गई है किसी को चाहिए तो ले लेना ले भाई इसे बेच रही है देखो उपेंद्र ओहो इतने नहीं बेचना है भाई बस 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 करो नहीं तो सब अभी खरीदार उधर आ जाएंगे तुम्हारे उधर वेरी गुड तो अगला देखिए जब मैं कल आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा तो कल का टॉपिक मैं आपको क्या देता हूं तो कल का टॉपिक मैं आपको दो टॉपिक देता हूं कल के अच्छे से पढ़ के आने ईमानदारी से पढ़ने देखो एक चीज होती है अगर आप खुद ईमानदार होना अपने कार्य के प्रति तो किसी का पापा भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता है मैंने कहा आपकी सफलता और असफलता पे दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर आप सफल होंगे तो आपके माता पिता और असफल हुए तो आपके पड़ोसी हाँ। वो बड़े खुश होते हैं है ना तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर क्या है राइट सॉरी कल मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा तो मैं आपको दो टॉपिक दे रहा हूँ एक तो मैं आपको क्या दे रहा हूं भाई पशुपालन दे रहा हूं कौन सा पालन दे रहा हूं पशुपालन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वन पाल एग्जाम के अंदर अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे वन रक्षक में और एक टॉपिक मैं आपको दूंगा वो आपको बिल्कुल छोटा सा दूंगा और कौन सा टॉपिक दू वो भी आपको याद रखना है कि वो मैं आपको दे रहा हूं राजस्थान के अंदर क्या दू भाई बताओ फटाफट बता दो छोटा सा दे दू राजस्थान के भौगोलिक उपनाम भौगोलिक उपनाम कल आपको क्या करना है भाई साढ़े आठ बजे से पहले पहले आपको अपने टॉपिक तैयार करना है अच्छे से पढ़ना है दबा के बाकी पोस्टमार्टम करने का काम मेरा है एक एक सवाल से आपको अच्छी तरीके से रूबरू करवाऊंगा और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बाकी तक्षशिला एकेडमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है अगर ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करिए टेस्ट रीज चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए और बाकी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता है तो आपको दो नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर एक है नाइन फिर है डबल ये नंबर है इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और एक नंबर है सिक्स थ्री सेवन फाइव जीरो फोर थ्री थ्री फोर सिक्स तो किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारे क्या है भाई कॉल सेंटर के नंबर है किसके नंबर है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का कॉल सेंटर है वहाँ के नंबर है वहां पे आप चौबीस घंटे के भी, भी अपनी क्वारी कर सकते हैं कल फिर मिलूंगा नए जोश नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ तब तक के लिए आप सबको जय हिंद